देखिए, आज जिस प्रकार से कल्याण बैनर्जी, जो कि एक सीरियल ऑफेंडर है, इससे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट का मखौल उड़ाया, इससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में जिस प्रकार से बर्ताव किया है, उससे पहले उन्होंने जिस प्रकार से आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रोटेस्टर्स के विषय में बयानबाजी की है, इससे पहले उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग समय पर सारी मर्यादाएं तोड़कर बातें रखी हैं, और आज संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने का काम उन्होंने किया जब उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। इस प्रकार की हिंसा के लिए उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। पर सवाल ये बनता है कि इंडी अलायंस के लोग, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, संविधान संविधान कहकर बात रखती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि संवैधानिक पद पर बैठे सीजीआई के साथ किस प्रकार का व्यवहार रामगोपाल यादव जी ने किया, अब पार्लियामेंट्री कमेटी में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, किस प्रकार का व्यवहार इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाकर इंडी अलायंस ने किया। तो संविधान का अपमान करना, यही इंडी अलायंस की पहचान है। क्या इस संवैधानिक अपमान के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर के लिए ममता बैनर्जी जी कोई कार्रवाई इनके ऊपर करेंगी? और एक बात स्पष्ट है कि वक्फ के नाम पर भड़काऊ राजनीतिक काम पर मुस्लिमों को भड़काने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। जाकिर नायक हो, ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, वो अलग अलग प्रकार से वक्फ में संशोधन ना हो, वक्फ के पास असीमित ताकतें हो, और वक्फ में जो बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जिसमें कि खड़गे जी का भी नाम सामने आया है, जिसमें कि बड़े बड़े लैंड ग्रैबर शामिल है, उनको असीमित अधिकार मिलता रहे और गरीबों को, यतीमों को, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको इसका अधिकार ना मिले, इसके लिए लगातार ये भड़काऊ राजनीति भी की जा रही है, ये निंदनीय है।